नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय गोरखपुर के न्यू ओपीडी ब्लॉक में प्रत्येक सोमवार को दिव्यांगों के लिए लगने वाले विकलांग बोर्ड पर अब सप्ताह के बृहस्पतिवार को लगाया जाएगा। जिलाधिकारी केवीएन पांडे के निर्देश पर सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी द्वारा निर्णय लिया गया। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि सोमवार के दिन अस्पताल परिसर में मरीजों की भीड़ ज्यादा रहती है। कोविड-19 के संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए अस्पताल परिसर में मरीजों की भीड़ ना होने पाए, इसको लेकर सोमवार की जगह सप्ताह में प्रत्येक बृहस्पतिवार को जिला अस्पताल के न्यू ओपीडी ब्लॉक में विकलांग बोर्ड की ओपीडी लगाई जाएगी। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया। सोमवार को अमूमन जिला चिकित्सालय परिसर में बहुत भीड़ होती है, क्योंकि संडे एक दिन छुट्टी का दिन होता है, अगले दिन काफ़ी मरीज आते हैं और जिला चिकित्सालय का परिसर ही, जैसा आप जानते हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। सारी ओपीडी में मंडे को अधिक भीड़ हो जाती है और जहाँ पर ओपीडी है, हम दिव्यांग बंधुओं के लिए वहीं पर दिव्यांग बोर्ड कराया करते थे, तो बहुत असुविधा होती थी। इसलिए जिलाधिकारी से वार्ता कर इस दिन को हम बृहस्पत तय कर दिए हैं, क्योंकि बृहस्पत के दिन दिव्यांग बंधुओं को कोई दिक्कत नहीं होगी और सोमवार की भीड़ से बच सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना काल में ये आवश्यक था, जिलाधिकारी की सहमति से मैंने इसको बृहस्पत के दिन कर दिया है। अब प्रत्येक वर्किंग डे जो बृहस्पति होगा, हर हफ्ते उसी दिन दिव्यांग बंधुओं का ये कार्ड बना करेगा। प्रत्येक दिन दिव्यांग के साथ कम से कम एक दिव्यांग के साथ दो लोग होते थे और 100 के करीब 100-125 के करीब उनका सर्टिफिकेट बनता था, तो उसके 3 गुना लोग सोमवार को इकट्ठा हो जाते थे, इसलिए ये व्यवस्था देना बहुत आवश्यक था।